सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, अचिन रक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया। और भाई आज अपने पास आ रखी है बलिनो। बलिनो में पूरा सिस्टम का काम हो रहा है, जैसे कि इसमें पैरामेट की सिल्वर सीरीज की डैम्पिंग कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इसमें जीवा का एंड्रॉयड स्टीरियो लग रहा है जो अभी अनबॉक्स हो रहा है। इसमें एंड्रॉयड स्टीरियो लग रहा है, डैम्पिंग इसमें हो चुकी है, आप चेकआउट कर लो, ये डैम्पिंग हुई है इसमें। अभी रिंग लग रही है स्पीकर की और उसी के साथ साथ कपलर टू कपलर, जैसे कि भाई वायरिंग होती है प्रॉपर, ये कपलर टू कपलर वायरिंग है स्पीकर की। और उसी के साथ साथ भाई इनर हैंडल्स भी इसमें क्रोम के लग रहे हैं, इनर हैंडल्स है कंप्लीट जो ब्लैक आते हैं। लाइक अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ ब्लैक आते हैं और ब्लैक हटके ओरिजिनल MGP के इसमें इनर हैंडल्स लगते हैं। साथ साथ इसमें ग्लेंजा में स्टीयरिंग लग रहा है अपना ओरिजिनल MGP का टॉप एंड वेरिएंट वाला, जिसमें आपको लाइक कंट्रोल्स में मिलेंगे, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलेंगे, स्टिच मिलेगा आपको पूरा प्रॉपर स्टीयरिंग, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की डमी मिलेगी, यहाँ पे कॉलिंग बटन्स मिलेंगे, सिल्वर फिनिश मिलेगी। सिल्वर फिनिश भी आपको हर स्टीयरिंग में नहीं मिलती है, तो ये बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट वाला है जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी, स्टीयरिंग स्टिच मिलेगा और सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। फ्रंट के डोर में इसमें डैम्पिंग हो चुकी है और ये आप चेकआउट करोगे तो बिल्कुल कपलर टू कपलर भाई यहाँ पे वायरिंग हुई है और यहाँ पे ये स्पीकर्स में लग जाएगा। पीछे भी मैं आपको दिखा दूँ तो पीछे भी इसमें डैम्पिंग हो चुकी है, चारों ही डोर्स में डैम्पिंग हो रही है। इनों का ग्लॉसी फ्रेम है, एक बार आप चेकआउट करो कितना ग्लॉसी है पूरा का पूरा फ्रेम। ये फ्रेम है प्रॉपर ग्लॉसी, देखो इसमें दाने भी आते हैं, ये देखो आप। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको वायरिंग दिखाऊं तो कपलर टू कपलर वायरिंग हुई है, ये कंपनी की वायरिंग है, अपनी वायरिंग है और ये जाके स्टीरियो में लग जाएगी, तो प्रॉपर कंपनी टू कंपनी वायरिंग हो रही है। वैसे तो आजकल प्रॉपर कपलर टू कपलर वायरिंग आती है, बट स्टिल कुछ लोगों को स्टिल मिथ रहता है कि यार कहीं वायर तो कट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप चेकआउट कर लो, प्रॉपर कपलर टू कपलर होती है भाई। तो भाई उसी के साथ साथ जैसे कि नॉर्मल एक गियर नॉब आती है इसमें, तो टॉप एंड वेरियंट वाली गियर नॉब भी इसमें चेंज हो जाएगी, जिसमें आपकी पूरी एक ग्लॉस में होता है। तो भाई जैसे कि स्टेयरिंग कुछ ऐसा आता है बेस वेरिएंट का, अगर आप चेकआउट करोगे जिसमें कोई स्टिच नहीं होता है, कोई कंट्रोल्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी जस्ट बेस जो बेस वेरिएंट में आता है वो बिल्कुल ऐसी सिंपल होता है। ये पूरा का पूरा जो स्टेयरिंग चेंज होके और आपका टॉप एंड वेरिएंट वाला लग जाता है, जिसमें स्टिच होते हैं, दोनों ही कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ पे सिल्वर फिनिश होती है, पूरा टॉप एंड वेरिएंट वाला स्टीयरिंग लगता है। उसी के साथ साथ भाई ब्लू पंक का इसमें पीछे कोएक्सियल लग रही है, 6.2 इंचेस की कोएक्सियल है ये और टू वे कोएक्सियल है ब्लू पंक के जो पीछे लगेंगे। आगे इसमें मोरेल के कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो भाई उसी के साथ साथ इसमें मोरेल्स के कंपोनेंट इंस्टॉल हुए, फिटिंग एक बार आप चेकआउट कर लो, प्रॉपर फिटिंग आई है रिंग के साथ। रिंग लगने के बाद आपका जो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, ज़्यादा पानी वगैरह से बच जाते हैं आपके स्पीकर्स एंड कंपोनेंट्स वगैरह। साथ साथ इसमें जीवा का स्टीरियो लग चुका है, और जीवा के स्टीरियो की अगर स्पेसिफिकेशंस की एक बार बात करें, स्पेसिफिकेशंस है 9 इंच यूनिवर्सल कार प्ले विथ 232 2GB 32GB इसकी इंटरनल है। और मैं एक बार आपको इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है और ये इसके भाई आइकन्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये बहुत इजी जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना उस टाइम पे बहुत सही रहता है आइकन्स बड़े होना, आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, नेटफ्लिक्स डिज्नी और यूट्यूब ये सब कुछ आपको मिलेगा, प्राइम वीडियो ये सारी चीज़ें अंदर ही मिलेगी। और ये है आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का वायरलेस, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायर और वायरलेस दोनों ही है, जो भी आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा उसी से ही आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो हो गया, बाकी इसमें आप अपने मैप्स भी ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप हॉटस्पॉट देके भी चला सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि थीम्स वगैरह ये सब चीज़ मिल जाएगी, ब्लूटूथ। तो भाई यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है इसका, और IPS स्क्रीन है, जैसे कि आप ये चेकआउट करो IPS स्क्रीन है इसकी। मोरल के इसमें कंपोनेंट इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो भाई उसी के साथ साथ इसमें ओरिजिनल हब लगता है MGP का, ये MGP का ओरिजिनल हब लगता है इसमें, ये मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई ये इसका ओरिजिनल MGP का हब है, जो स्टीयरिंग निकल के ये लगता है जब आप टॉप एंड वेरियंट के स्टीयरिंग के लिए जाते हैं।
तो भाई उसी के साथ साथ इसमें टॉप एंड वेरिएंट वाला स्टेयरिंग इंस्टॉल्ड हो चुका है। एक बार आप चेकआउट करो कैसा आपको लग रहा है, पूरा प्रॉपर सिल्वर फिनिश के साथ, कंट्रोल्स के साथ, और कंट्रोल्स साथ ही देखो वर्किंग है भाई, ये देखो सारी कंट्रोल्स वर्किंग है इसमें, कंट्रोल सारे वर्किंग हो चुके हैं इसमें। बाकी ये डम्मी रहता है प्रॉपर स्टिच के साथ है भाई, भाई प्रॉपर एक वर्थिट चीज़ है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वाइल्ड ड्राइविंग आप टच को इतनी इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे कभी भी, तो बटन्स की नीड होती है, वो आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो बटन्स के। अगर आपको बटन्स मिल जाते हैं ना ऑन स्टेयरिंग, तो आप बहुत ही इजीली आप यूज़ कर लोगे, और बहुत ही वर्थ इट चीज़ है कि लाइक आप अभी आप लगवाओगे या कभी भी जब भी आप लगवाओगे तो आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म पे बहुत वर्थ इट आप फील करोगे इस चीज़ को। बाकी भाई इसमें यहाँ भी ग्लॉस हो रखा है और ये पूरा ग्लॉस है, उसी के साथ साथ जो अपना फ्रेम लगा है ये भी अपना ये ग्लॉस है ये यहाँ पे पूरा, तो ये पूरा ग्लॉस है, उसके साथ साथ ये अपना जो फ्रेम लगा है ये भी ग्लॉस है, पूरा इससे मैच कर रहा है, और ये भी भाई इसमें ग्लॉस है, तो पूरा का पूरा एक यहाँ से पूरा का पूरा एक ग्लॉस है। ये देखो भाई ये पूरा ग्लॉस है, ये भी पूरा ग्लॉस है, और ये भी पूरा ग्लॉस है, तो पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड से अपना जो फ्रेम है वो पूरा डैशबोर्ड से भी मैच कर रहा है, डैशबोर्ड के जो पैनल्स हैं इनसे मैच कर रहा है, तो प्रॉपर एक लुक आ रही है। बोलिए तो भाई यहाँ पे पार्सल ट्रे इंस्टॉल्ड हो चुकी है ओरिजिनल MGP की ग्लेंजा में, और यहाँ पे लोअर गार्निश इंस्टॉल्ड हो रही है अभी, जैसे कि ये रही जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगी, और यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुकी है। एक बार आपको मैं रिफ्लेक्शन चेकआउट करा देता हूँ क्रोम का, ये देखो भाई अभी चेकआउट करो भाई लोअर गार्निश का क्रोम आप, ये देखो लोअर गार्निश इंस्टॉल्ड हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हो रही है पूरे इस पे पूरे पैनल पे लगती है स्टार्टिंग टू एंड तक। देखो दरवाजा कंपनी से लगवा कर आए, अपने पास अवेलेबल है ये। हाँ जी यार, अपने पास कितने का, कितने का है? 25% डिस्काउंट ओनली बलेनो और ग्लेंजा पे, तो भाई 25% का अपने पे इन पे डिस्काउंट भी है अब 25। दो पैनल्स भी यहाँ पे लग चुके हैं प्रॉपर, स्पीकर वगैरह सब कुछ लग के, पीछे के भी दो पैनल्स लग चुके हैं, उधर के भी दो पैनल्स लग चुके हैं, पूरी गाड़ी अभी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, गियर नॉब यहाँ पे लग चुकी है, लोअर गार्निश इंस्टॉल्ड हो ही चुकी है, और यहाँ पे स्टेयरिंग लग चुका है अपना, टॉप एंड वेरिएंट वाला जीवा का स्टीरियो लगा है 232 में विद एप्पल कारप्ले, मोरल के कॉम्पोनेंट्स लगे हैं पीछे, ब्लू पंक के कॉम्पोनेंट्स लगे हैं, पैरामेट की सिल्वर सीरीज की डैम्पिंग हुई है, उसी के साथ साथ इसमें पार्सल ट्रे लगी है ओरिजिनल MGP वाली, और इसके जो पीछे एक क्रोम आती है उसमें ही ओरिजिनल जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड होता है वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड हो रहा है। इनकी IPS चेक करो, विंडी के मैट्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं अपनी ग्लेंजा में, जो आपके पूरे एज टू एज को कवर करते हैं, जैसे कि ये पूरा एज टू एज है जो आपके फ्लोर का, वो पूरा का पूरा कवर होता है, ये देखो भाई पीछे तक जाती है ये, जैसे कि ये सपोज आगे का ये पूरा आगे तक जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा पीछे तक जाएगा, पीछे का पोर्शन है ये पूरा, इतना पोर्शन सीट के अंदर चला जाता है और ये पूरा आगे तक जाएगा, एज टू एज हर एक एक जितना भी कर रहे देखो आप पूरा कवर करता है, ताकि आपकी जो फ्लोर है वो गंदा ना हो। बेस काफ़ी अच्छा वोकल, बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, काउंटिंग कास्ट की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे होगा, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। बाकी करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।